आज मैं अपनी चूड़ियों की छटनी करने जा रही हूँ। बहुत सारी रखे रखे पता नहीं कैसे गंदी हो जाती हैं, टूट जाती, चटक जाती हैं। रखी हर बार मैं छटनी करके रखती हूँ, चुटकी वाली निकाल देती हूँ, फिर जब मैं छटनी करने नंबर आता है 6 महीने में या 1 साल में, वैसे तो पहनने ही नहीं पड़ती, हम लोग कंगन पहने रहते हैं, फिर मैं चूड़ियाँ पहनने लगी। मेरे पास बहुत सारी ढेर हो गई, वो रखे रखे बढ़ती जाएँ, फिर बदरंग हो जाती हैं, फिर हटानी पड़ती हैं। तो मैंने सर्च करा कि चूड़ी पुरानी चूड़ियों का क्या करें। वैसे मेरी सासू माँ जो बांस की जड़ होती है उसमें रख देती हैं, अब ये नहीं मालूम उसमें गड्ढा करके रखवाती हैं या ऐसे ही। वो मुझे सही लगा वैसे, बांस अपनी लाइफ में बहुत मायने रखता है। शादी हो चाहे अंतिम क्रिया हो, सब में आता है, तो बांस की बहुत महिमा है। लेकिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 7 बार चूम के आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। वैसे तो मैं रख देती हूँ तो सासू माँ लिए जाती हैं, नहीं तो यही किया मैंने। मन में तो थोड़ी सी शंका, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा सब रहता है, लेकिन इस बार मैंने भगवान का नाम लेके डाल दिया है। अब मैं अपनी चूड़ियों की छटनी कर लेती हूँ। बहुत सारी हैं, एक बार छाटी थी, बहुत सारी हो जाती हैं धीरे धीरे, अच्छी बहुत लगती हैं, रंग बिरंगी, जब देखिए तो मन ही नहीं भरता है, और बहुत सारी हो जाती हैं। देखिए सुंदर सुंदर सी बैंगल्स, और ये नहीं है कि जी भरा गया, फिर देखिए सुंदर सी, तो ये मन करेगा बस ले ही लो। ये है मेरे कंगन, मैं ये नज़दीक से दिखाती हूँ। लाती रहती हूँ, अधिकतर यही पहनने हो जाते हैं। सोने की चूड़ियाँ डाल लो और ये कंगन डाल लो, बस हो जाता है। हर साड़ी के मैचिंग अपना ले लूँ, लेकिन जब जाऊँगी हमारे यहाँ अमीनाबाद की मार्केट बहुत फेमस है, तो मैं जब जाऊँगी तो वहाँ से ले लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही इतनी सारी छाट के डाली, रिटायर होती है रहती हैं ये। अभी उस दिन छटनी करी थी, रखे रखे कैसे चटक जाती हैं ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। पहनती भी हूँ, डाल लेती हूँ, लेकिन थोड़ी गर्मी होती दिखती नहीं है ठंडक में। अब ये मैं तो स्वेटर वेटर पहन लेती हूँ, मैं फैशन नहीं बनाती। ये मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, ये है मेरी बैंगल्स का स्टॉक, उसे मैं कंगन तो नहीं, कंगन नहीं खराब होते, वो सही सलामत करते हैं, बस चूड़ियाँ हैं। ये मैं लाई थी एमपी से, एमपी गए थे घूमने तो वहाँ से लाए थे। बाकी ये चौक की हैं, ये हैं जयपुर की बैंगल्स, और ये मेरे अमीनाबाद के हैं, ले आती हूँ। और ये मेरे चौराहे पे खरीदती हूँ, ये भी एमपी की है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सोने की डाल लेती हूँ और ये पहन लेती हूँ। इसमें तो शायद लाख है, बाकी कांच की, हाँ एमपी वाले में लाख है, ये क्या दिख रहा है, लाख सा है, ये लाख है, प्लास्टिक है, क्या है कुछ है। बाकी इसमें देखें भी नहीं है, ये जो यहाँ खरीदते हैं चौराहे में, ये इसमें कांच होता है, ये अपना डेली यूज में कर सकते हैं हम लोग जो है, और कुछ पहन नहीं सकते, कांच पहन लेंगे, बाकी ये हैं तो मिला के कांच के पहनेंगे, यूँ ही नहीं डाल सकते, जैसा बताया गया है। और सबका कैसा है मुझे नहीं पता,
ये मैंने खरीदी थी, इसमें मेटल है, फाइबर नहीं मेटल है, तो बहुत महंगी पड़ी थी मुझे ये। नहीं, ये 300 का सेट था ये, बाकी तो 100 100 100। और ये जयपुर से आई थी, ये मुझे गिफ्ट मिली थी, इसका मुझे नहीं पता, मेरी नाना लाई थी, जो जयपुर में रहती थी। ठीक है, अब मैंने छटनी करके रखती हूँ। बाय बाय।